नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वणक्कम, मैं हूं रिचा। दीवान न्यूज रानी चैनल पर आप सबका स्वागत है। दिन से वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस, वेरी प्रेशियस। सो इस खूबसूरत सफ़र के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इस सफ़र में आपको पता चलने वाला है आपकी क्या ब्लेसिंग जाने वाली है आपकी लाइफ में। और ये जो रीडिंग है गणेश चतुर्थी स्पेशल रीडिंग है, और गणेश चतुर्थी स्पेशल पे मैं रीडिंग लेकर आ गई हूँ आपके लिए। और हमें पता चलने वाला है कि आपकी लाइफ में होने क्या वाला है गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास यहाँ पे है 3 पाइल्स। पाइल नंबर 1 एडवेंचर, पाइल नंबर 1 एडवेंचर, पाइल नंबर 2 द रिबेल, The rebel. Pile number 3, innocence. Okay, so मैं आपके सामने कार्ड्स रख देती हूँ। पाइल नंबर 1 इज एडवेंचर, पाइल नंबर 2 रिबेल, पाइल नंबर 3 innocence. Pile number 1 adventure, pile number 2 the rebel, pile number 3 innocence. So close your eyes, take a deep breath. और गॉड से, यूनिवर्स से, खुदा से कहिए कि अब सही पाल की तरफ आपको डायरेक्ट करें, सही पाल की तरफ आपको ले जाएं। और आप चाहे तो एंजल से भी प्रे कर सकते हैं। एंजल्स हमारे प्यारे प्यारे फरिश्ते होते हैं, उनको थैंक यू बोलना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। ओके, आप चाहे तो वीडियो यहाँ पे पॉज भी कर सकते हैं ताकि आप इजीली सेलेक्ट कर पाएं। सो चलिए हम शुरुआत करेंगे पाइल नंबर 1 से। ओके, सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं। और सबसे पहले तो आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड गणेश चतुर्थी आपकी ज़िंदगी में आपकी विशेस, आपकी मनोकामनाएं पूरी हों, आपकी विशेस पूरी हों, और आपकी लाइफ में खुशियां लेकर आए, सुख समृद्धि लेकर आए आपकी लाइफ में, आपकी सेहत अच्छी हो, यही मेरी कामना है। ऑलराइट, सो चलिए हम बढ़ते हैं, पाइल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। ओके, जिन्होंने एडवेंचर सेलेक्ट किया था, आपकी ज़िंदगी एक नए एडवेंचर से गुजरने वाली है, आपकी ज़िंदगी में नए एडवेंचर्स आने वाले हैं। ओके, सो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ओके, हम यूज़ करने जा रहे हैं ओशोज़ एंड कार्ड्स भी यहाँ पे। चलिए पहले वही देख लेते हैं। आई एम नॉट टेकिंग एनी रिवर्सल्स इन दिस रीडिंग। ओके, मैं कोई रिवर्स कार्ड्स नहीं ले रही हूँ इस रीडिंग में। अगर मुझे इंट्यूशन आई तो मैं लूँगी। इंटेंसिटी, ब्यूटिफुल कार्ड, इज़न्ट इट? थंडरबोल्ट, नो नीड टू वरी अबाउट दिस कार्ड, आई एम गोना टेल यू, लेटिंग गो। सो आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं? कोई एक कनेक्शन था, अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो कोई एक कनेक्शन था जिसको आप बहुत होल्ड ऑन करके बैठे हो, और जिसने आपको दुख ही दुख दिया है, सफरिंग दी है और कुछ नहीं दिया है। वो जिस इंटेंसिटी से शुरू हुआ था, उस इंटेंसिटी से वो अचानक सरली ख़त्म भी हो गया था। ओके, और अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में मुझे पैशन आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं देते हैं, आपके पार्टनर आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो उनको इस बात की रियलाइजेशंस होंगी। ठीक है, उनको इस बात की रियलाइजेशंस होंगी, उनको अवेकनिंग होगी। ठीक है,
और वो जो है अपने जो अनहेल्दी पैटर्न्स हैं, हैबिट्स हैं, उनको लेट गो कर पाएंगे, ताकि वो आपके इस रिलेशनशिप को, आपके मैरिड लाइफ को और सुधार सकें। तो जैसे कि मैं बता रही थी, जिनका एक कनेक्शन जो है एंड हुआ है, कोई कनेक्शन है आपका जो एंड हुआ है, वो कनेक्शन को आप लेट गो कर पाएंगे, ये आपकी ब्लेसिंग है। You will be able to let go of the connection which is no longer serving you. और मुझे ये भी फील हो रहा है कि एक चीज़ मैं और कहूँगी, अगर आपकी रिलेशनशिप हेल्दी चल रही है, ये उन लोगों के लिए था जिनकी रिलेशनशिप एंड हो चुकी है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या सिचुएशनशिप में हैं और आपके पर्सन को जो है एहसास होगा, आपकी रिलेशनशिप में जो इंटेंसिटी है उसका एहसास होगा उनको, उनको अवेकनिंग होगी, उनको रियलाइजेशंस होंगी आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड, ठीक है। और फिर वो जो हैं अपनी जो अनहेल्दी पैटर्न्स हैं, जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं, जो अनहेल्दी बिहेवियर है, जो अनहेल्दी थॉट प्रोसेस है, उसको वो लेट गो करेंगे, ठीक है। उनको जो है रियलाइजेशंस होंगी। थंडरबोल्ट का कार्ड आया है, हो सकता है उनकी लाइफ में कोई एंडिंग हुई हो या होने वाली हो, जो अनहेल्दी चीज़ें हैं उनकी एंडिंग होगी उनकी लाइफ में, आपके जो पर्सन हैं, जो भी अनहेल्दी चीज़ें हैं, जो भी पेन है, जो सफरिंग है, उसकी एंडिंग होगी उस उनकी लाइफ में, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो जो है आपकी रिलेशनशिप उससे सुधरेगी, इम्प्रूव होगी, ठीक है। और अगर करियर की बात करें, तो अगर आप कंफ्यूज थे दो चीज़ों में, करियर या जॉब या बिजनेस में कंफ्यूज थे, तो आपको जो है मैसिव अवेकनिंग आपको होने वाली है। आपको पता चलेगा कि आपने क्या ऑप्शन लेना है। अगर आप दो जॉब ऑफर्स के बीच में कंफ्यूज थे, किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में अगर आप कंफ्यूज थे, तो आप फैसला ले पाएंगे, ठीक है। और अगर कोई अनहेल्दी जॉब है या टॉक्सिक सिचुएशन है आपकी करियर से रिलेटेड, तो उसको आप लेट गो कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपकी हेल्थ की बात करें, तो हेल्थ में आप अभी तक अपनी हेल्थ का ठीक से ख्याल नहीं रख रहे थे। अगर आप ख्याल नहीं रख रहे थे, तो आपकी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्थ को जो है इफ़ेक्ट कर रही हैं, उन चीज़ों को आप, आपका एहसास होगा, उन चीज़ों को आप रियलाइज़ करेंगे, और उन जो भी अनहेल्दी लाइफ, टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक लाइफ, टॉक्सिक हैबिट्स हैं आपकी, लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं आपकी, जो आपकी लाइफस्टाइल को इफेक्ट कर रही हैं, आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर रही हैं, तो उन चीज़ों को आप लेट गो करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे फील हो रही हैं। इसी से इतना कुछ बता दिया मैंने, अभी तो टैरो कार्ड्स भी बाकी हैं। ओके समझ, चलिए। मुझसे किसी ने बोला कि मैम आपने उस दिन रीडिंग पोस्ट करी थी, आई थिंक कौन सी रीडिंग थी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, हाँ आपकी लाइफ में 3 मंथ्स में क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो किसी और रीडर ने सेम रीडिंग कॉपी कर ली, और काफ़ी लोग कॉपी करते हैं आपका स्टाइल, आपकी रीडिंग लोग कॉपी करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहती इस बारे में, मैं क्या कहूँ। अगर भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया है कि लोग मुझे कॉपी कर रहे हैं, तो भगवान की दुआ है, मैं क्या कह सकती हूँ, ठीक है। चलिए एनीवे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हमारे पास टैरो कार्ड्स बाकी हैं, सो टैरो कार्ड से हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग आने वाली है, वो हम देखेंगे। किंग ऑफ रॉड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, The Judgment, Queen of Pentacles, and Knight of Cups. So friends, क्या बताऊँ आपसे, कैसे शुरुआत करूँ, क्योंकि बहुत खूबसूरत रीडिंग होने वाली है ये। आपको जो है एक तरफ हमारे पास है शेर, दूसरी तरफ हमारे पास है सवा शेर, ठीक है। सो यानी कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है किंग ऑफ रॉड्स जो कि शेर है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं जो कि सवा शेर है। ओके सो ऑलराइट, सो किंग ऑफ रॉड्स की एनर्जी हमें ये बताती है कि आप अपने करियर में इस्टेब्लिश होने वाले हैं,
आपको फाइनेंशियल करियर सक्सेस आपको मिलने वाली है, और आप जो है बहुत रेस्ट हो गया, अब जो है आप एक्शन लेंगे कि आपने अपने करियर में क्या सुधार करने हैं, आपने अपनी लाइफ में क्या सुधार करने हैं, उससे रिलेटेड अब आप एक्शन। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको कोई जॉब ऑफर आ सकता है या बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपको। अगर करियर की बात करें तो कोई ऑफर आपको आने वाला है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो आपको आ सकती है, ठीक है, या कोई आई एम ऑल्सो गेटिंग अ कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी फॉर सम ऑफ यू, ओके। सो आपको जो है फाइनेंशियल गेन्स होने वाले हैं डेफिनेटली, मुझे दिख रहा है। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप लोगों ने ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलें देखी हैं पहलवान, काफ़ी मुश्किलें आपने बर्दाश्त की हैं, जैसे कि ऑलमोस्ट यू आर लाइक अ फीनिक्स, ठीक है, आप एक फीनिक्स की तरह हो हु इज़ राइजिंग फ्रॉम द एशेस। आप कोई और होता तो गिव अप कर देता, लेकिन आप गिव अप करने वालों में से नहीं हो, ओके, एंड करना भी नहीं है, ठीक है। सो ये था आपके करियर के बारे में। लव लाइफ के बारे में बताऊँ तो आपको कोई प्रपोजल आने वाला है फ्रेंड्स, मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, रिलेशनशिप प्रपोजल भी हो सकता है, आपको प्रपोजल आने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। सो अगर ऐसा होता है तो यू आप मेरी फैमिली हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जाओगे फ्रेंड्स, ठीक है। सो और कुछ लोगों की मैरिज हो सकती है, जो आपकी मैरिज होगी बहुत ही रिच मैरिज होगी आपकी, बहुत ग्रैंड स्केल पर आपकी मैरिज हो सकती है। और कुछ लोगों की स्मॉल परसेंटेज लोगों के लिए एक प्राइवेट गैदरिंग हो सकती है मैरिज की। आपके जो पर्सन है वो काफ़ी फाइनेंशियली वेल ऑफ होंगे और वो स्मार्ट होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, सेल्फ मेड होंगे, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं वो, ठीक है। और अगर वो जॉब में होंगे तो उनको अच्छी पोजीशन होगी उनकी करियर में, ठीक है। सो और अगर आपका किसी से ब्रेकअप हुआ था तो मुझे रिन्यूअल भी दिख रहा है, रिकॉन्सिलेशन दिख रहे हैं मुझे, तो चिंता की कोई बात नहीं है, मुझे रिकॉन्सिलेशन दिख रहे हैं आपके टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग, मुझे रिकॉन्सिलेशन आपका दिख रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, कि आपका रीयूनियन होगा उस पर्सन के साथ। उस वो पर्सन जो है हो सकता है कि वो अभी एक्शन नहीं ले रहे थे, तो अब वो जो है वो एक्शन लेंगे, आपके आपकी तरफ आएंगे और वो रिकॉन्सिलेशन के लिए अप्रोच आपको कर सकते हैं, ठीक है। तो हेल्थ वाइज मुझे मैटर थोड़ा इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है, लाइफ आपकी इम्प्रूव होती हुई दिख रही है, ठीक है। सो आप खुद को बहुत पैम्पर करने वाले हैं, आप खुद को जो है अपना बहुत ख्याल रखने वाले हैं, खुद को जो है एक तरह से पैम्पर जैसे मैंने कहा आप खुद को करेंगे, एंड अपनी बॉडी को एक टेंपल की तरह ट्रीट करेंगे। अपने माइंड को भी आप जो है हील करने पे बहुत काम कर रहे थे, आपने बहुत शैडो वर्क किया, अपने सेल्फ वर्क बहुत किया, अपने ऊपर काम किया, आपने अपनी हीलिंग के ऊपर आपने बहुत काम किया है पहलवान। कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रैवल भी दिख रहा है, ठीक है, स्मॉल परसेंटेज हो सकता है कोविड की सिचुएशन खत्म होने के बाद आप किसी ग्रैंड मैसेज अच्छे लार्ज के लिए ट्रैवल भी कर सकते हैं, ओके, ट्रैवल दिख रहा है मुझे आप लोगों के लिए। और अगर जो मैरिड हैं, अगर वो जो मैरिड लेडीज हैं, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए आप चाह रहे थे तो आपकी प्रेगनेंसी भी आ सकती है, ठीक है। सो प्रेगनेंसी मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए मैरिड वुमेन, ठीक है, और मैरिड वुमेन के लिए था वो। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बताती है कि आप सेल्फ सफिशिएंट होंगे, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ एस्टीम को प्रायोरिटी पर रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और आप किसी भी ऐसी हैबिट को जिनको आप जो है लेट को नहीं कर पा रहे थे, आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो आप ओवर थिंकिंग पर काबू पाएंगे और अपनी जो है इमोशनल हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखने वाले हैं, आपकी इमोशनल हेल्थ बैलेंस होने वाली है, आपकी फिजिकल इमोशनल हेल्थ बैलेंस होने वाली है। सो ठीक है फ्रेंड्स, ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ शेयर विद मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल,
and God bless you all. Take care of yourself. Love you all my subscribers. Alright. See you in another reading, Pile One. So, चलिए शुरुआत करते हैं पाइल टू से. So, Pile Two, are you ready? जिन्होंने द रेबेल सेलेक्ट किया था, द रेबेल, हो सकता है आपने अपनी ज़िंदगी के फैसले आप खुद लेते हैं, और आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ट्रेंड सेटर हैं, आप फॉलोअर नहीं हैं, आप लीडर हैं, और आपने जो है अपनी काफ़ी चीज़ें जो हैं आपने खुद सीखी, यूर सेल्फ टॉट पर्सन, एंड आप जो है आपने यू लाइक टू स्विम अगेंस्ट द टाइड. So you like to swim against the tide, even if it means standing alone. ठीक है. So आप इस तरह के person हैं. अगर आपको लगता है कि अभी तक आप ऐसे person नहीं बने हैं, तो ऐसे person आप बनने वाले हैं. ठीक है friends. So ये blessing आपकी life में आने वाली है. चलिए, हमारे पास यहाँ पे हैं ओशो जैन कार्ड्स एंड टैरो कार्ड्स हैंसन रॉबर्ट्स डेक से. हम देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग आने वाली है, और मैं इसमें जो है रिवर्सल्स अगर मुझे इंट्यूटिवली फील हुआ तो मैं लूँगी, अदरवाइज मैं नहीं लूँगी रिवर्सल्स. ओके. सो पहला कार्ड है द बर्डन इन रिवर्स. द क्रिएटर, द ड्रीम, the miser and maturity. So अगर हम ओशोज एंड कार्ड्स की बात करें, तो आपका कोई बर्डन है जो आपके शोल्डर से लिफ्ट होने वाला है. कोई बर्डन है जो आपकी लाइफ से, आपकी कंधों से लिफ्ट होने वाला है, वो जाने वाला है जो बर्डन है. अब वो कोई भी आपको बेस्ट पता होगा कि वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है, या आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, या आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है. तो जो भी ऐसा बर्डन है वो जाने वाला है आपकी लाइफ से, उठने वाला है वो बर्डन. अपने ड्रीम्स पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स. आपको ड्रीम्स आने वाले हैं ऐसे जो आपके आपके सवालों के जवाब देंगे, जो आपकी ज़िंदगी की गुत्थियों को सुलझाएंगे, और जिनसे आपको कुछ न कुछ जवाब, आपको सोल्यूशन आपको मिलने वाला है अपने ड्रीम्स के थ्रू. तो अपने ड्रीम्स पे बहुत ध्यान दीजिएगा. ठीक है. एंड देन वी हैव द माइजर. किसी चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा पकड़ के रखा हुआ है. ठीक है. आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को, तो उस चीज़ को आप लेट गो कर पाएंगे. ठीक है. एक मतलब तो ये हो गया, इवन दो दिस कार्ड इज अबाउट द माइजर विच इज अबाउट होल्डिंग ऑन, बट दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू विल बी एबल टू लेट गो ऑफ इट. आपने लेट गो करना है उस चीज़ को. ठीक है. आप लेट गो कर पाएंगे, ये आपको गाइडेंस है. ठीक है. और एक चीज़ मुझे फील हो रही है कि अगर आप पैसा जो है आप बिना सोचे समझे खर्च कर रहे हैं, तो पैसे को आप सोच समझ के खर्च कीजिए, क्योंकि आपको जो है फ्यूचर में उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, जाहिर सी बात है. ठीक है. मतलब आपने कहीं इन्वेस्ट आपको करना पड़ सकता है वो पैसा, तो आपने जो है उस पैसे को सोच समझ के खर्च करना है. मैच्योरिटी, टाइम आ चुका है कि आपको आपके कर्मों का फल मिले, आपको आपकी मेहनत का फल मिले. ठीक है. आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत आप हार्ड वर्किंग हैं, एंटरप्राइजिंग हैं, और आपने जो है अपनी ज़िंदगी में, आपको हो सकता है आपने अपना 100% आप देते हो, पर आपको जो है उसका 10% ही मिलता है, और कई बार तो उतना भी नहीं मिलता है. तो अब आपको जो है उसका रिज़ल्ट मिलेगा, ये मुझे फील हो रहा है इस कार्ड के थ्रू. और दूसरा, अभी तक आप अगर जो है कोई मतलब सिचुएशन को इमेच्योर तरीके से देख रहे थे, आपका जो पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का वो थोड़ा और मेच्योर होने वाला है. आपका जो पर्सपेक्टिव है, जो नज़रिया है चीज़ों को देखने का, सिचुएशन को देखने का, किसी पर्सन को देखने का, वो बदलने वाला है. ठीक है.
और मुझे ये बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कोई पर्सन है जो इमेच्योरली एक्ट कर रहे थे अभी तक, तो वो मेच्योरिटी से एक्ट करेंगे आप और मेच्योरिटी से स्टेप उठाएंगे आपकी तरफ। द क्रिएटर, जो क्रिएटर है इस यूनिवर्स के, जो गॉड है वो आपके साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। क्रिएटर का कार्ड आ चुका है, तो जो गॉड है, जो यूनिवर्स है, एंजल्स हैं, जो असेंडेड मास्टर्स हैं, वो आपके साथ हैं। जिन गॉड को आप मानते हैं वो आपके साथ हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो जिन गॉड को आप बिलीव करते हैं वो गॉड आपकी हेल्प करेंगे। आपके आने वाले टाइम में आपकी उनकी स्पेशल ब्लेसिंग्स होंगी। और क्योंकि हम गणपति बप्पा की बात कर रहे हैं, तो जो है गणेश जी की स्पेशल ब्लेसिंग्स होंगी आपके पास पाइल टू, ठीक है। तो वो तो अनडिवाइडेड, मतलब वो इनडिस्क्रिमिनेशन से प्यार करते हैं अपने भक्तों से। सो वो जो है सबसे इक्वली, अपने भक्तों से इक्वली प्यार करते हैं। लेकिन अगर आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनके स्पेशल डिवोटीज़ हैं, आप उनको बहुत मानते हैं, तो आपकी जो, आपके पास उनकी ब्लेसिंग्स होंगी। आपने जो है, ये एक एक्सरसाइज है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। कभी भी आपको फील हो कि आप डिप्रेस फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, तो अपनी आँखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आपके सामने गणपति बप्पा हैं, खड़े हैं, उनके आपने चरण स्पर्श करने हैं, ठीक है। उनकी चरण स्पर्श कीजिए और आपने जो है उसके बाद ये विजुलाइज करना है कि वो अपना हाथ जो है आपके सर पे रख रहे हैं। धीरे 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 उनका जो ब्लेसिंग्स हैं, जो उनका हाथ है, वो आपके सर पे आ रहा है, ठीक है। उन्होंने अपने सर पे आपका हाथ रख दिया है, आपके सर पे अपना हाथ रख दिया है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने जो है 2 मिनट के लिए उनकी ब्लेसिंग्स को फील करना है, ठीक है। फिर उसके बाद डीप ब्रीथ कीजिए, एक ग्लास, आधा ग्लास पानी पी लीजिए। फिर उसके बाद आपने जो है आँखें खोल लेना, आप जब उनका हाथ आपके सर पे हो, उसके बाद 2 मिनट के उनकी ब्लेसिंग्स को फील करना, चाहे तो आपने जो है ब्रीद इन ब्रीद आउट करना। फिर उसके बाद जो है आपने आँखें खोल लेनी है और उसके बाद फिर आधा ग्लास पानी पी लीजिए। आपको फील होगा कि उनकी स्पेशल ब्लेसिंग्स आपको फील होंगी, ठीक है। तो ये गणेश चतुर्थी स्पेशल एक्सरसाइज थी जो आप कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए, ओवरऑल जैसे मैंने आपको बताया कि जनरली ही मैंने आपको बता दिया, चाहे आपकी हेल्थ हो, करियर हो, आपकी लव लाइफ हो, उसी से रिलेटेड मैंने आपको जनरली बताया है कि क्या सिचुएशन होगी आपकी लाइफ में। सो चलिए, और अभी हम बढ़ेंगे, कहाँ जा रहे हैं आप? टैरो कार्ड्स अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो अभी हम टैरो कार्ड्स की तरफ बढ़ेंगे, तो टैरो कार्ड्स देखते हैं क्या कहते हैं आपकी लाइफ में, क्या ब्लेसिंग आने वाली है वो देख लेते हैं, ठीक है। सो चलिए, पहला कार्ड है द शैरियट। The chariot, two of swords, two of rods, the high priestess, six of swords, okay, Queen of Cups, the Devil, and Three of Rods. I love this card. Alrighty friends, so आपकी life में क्या होने वाला है, क्या blessing आने वाली, गणेश चतुर्थी special reading हम करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात तो, अगर आपका कहीं पैसा अटका हुआ था कोई, या अगर आप कोई पैसा लोन वगैरह के लिए आप कोशिश कर रहे हो, तो वो आपका अप्रूव हो सकता है। और आपका कहीं पैसा अगर अटका हुआ था, तो पैसा आपको वापस मिलने वाला है, ठीक है।
कहीं किसी ने आपको पैसा चाहिए, आपने किसी को लेंड किया था या कुछ भी था, या कहीं किसी इन्वेस्टर के पास पैसा था आपका, तो पैसा आपको मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। मैं हमेशा ये बताती हूँ कि सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, मार्केट को ध्यान में रख के इन्वेस्ट कीजिए। और लेकिन जो है, आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इन्वेस्ट करेंगे शायद, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और मुझे ये दिख रहा है कि कुछ लोगों के इन्वेस्टर्स के साथ तो सॉरी कि अभी मैंने मुझे ये फील हो रहा है कि मेरे थ्रोट में थोड़ा सा मुझे फील हुआ अभी, तो प्रॉब्लम तो आपके हो सकता है थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम अगर है तो वो सॉल्व होगी। आपने लैपिस लेजुली क्रिस्टल को धारण कीजिए, चाहे ब्रेसलेट के रूप में, किसी भी रूप में आप धारण कर सकते हैं, तो वो जो है आपको उससे निजात मिलेगी, ठीक है, प्रॉब्लम से निजात मिलेगी आपको, ठीक है। सो मुझे ये फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग रिलोकेट कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं वहाँ से आप रिलोकेट कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आपकी जो इमोशंस हैं वो आप बैलेंस करने वाले हैं, लेकिन आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, कुछ लोग उसके ज़्यादा इमोशनल फील करें, ठीक है, लेकिन आप कुछ अब जो भी है अपने इमोशंस को आप बैलेंस करेंगे, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए हो सकता है आप थोड़ा इंडिसाइसिव फील करें कि मैं आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप जो है फैसला कर पाएंगे। गणेश चतुर्थी की जो स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं वो आपको जो है फैसला करने में, कोई भी फैसला आप करना चाह रहे हो, एक्शन लेना चाह रहे हो, वो लेने में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। गणेश जी से प्रे कीजिएगा, वो आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि वो विघ्नहर्ता होते हैं, तो वो आपकी प्रॉब्लम में हेल्प करेंगे, ठीक है। और जो है आपकी कोई सच है, कोई ट्रुथ है जो आपको रिवील होने वाला है, ठीक है, कोई कुछ सीक्रेट है जो सामने आने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। और उसके बाद मतलब किसी का कोई सीक्रेट हो सकता है, कोई सच हो सकता है किसी के बारे में जो आपको पता चल सकता है, ठीक है, जो बहुत टाइम से छुपा हुआ था वो चीज़ जो है वो पता चल सकता है। और उसके बाद मुझे फील हो रहा है कि जिस चीज़ का आपको बहुत इंतज़ार था, या जिस पर्सन का, जिस चीज़ का, जिस जॉब का, या बिज़नेस अपॉर्चुनिटी का, या कोई भी ऐसा गोल है आपका, लक्ष्य था जिसको पूरा होने का, कोई सपना था जिसको पूरा होने का आपको बहुत इंतज़ार था, वो आपका पूरा हो सकता है। ओके, सो आप जो है अपने कुछ टेम्पटेशंस को या एडिक्शंस को मास्टर कर पाएंगे, ठीक है, अपने टेम्पटेशंस को आप मास्टर कर पाएंगे, जो भी आपके टेम्पटेशंस हैं, या आपकी जो है कोई भी एडिक्शन है, कोई अनहेल्दी हैबिट है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, तो उसको जो है आप मास्टर कर पाएंगे, मतलब उसको आप ठीक करेंगे, इम्प्रूव करेंगे उस चीज़ को आप। और मुझे ये फील हो रहा है कि अगर आपको किसी दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी थी, तो वो इस चीज़ को चॉइस करने में आपको थोड़ा टाइम हो सकता है लगे, लेकिन आप फैसला कर पाएंगे, ठीक है। यस या नो में आप फैसला करना चाह रहे हो, दो चीज़ों में, दो लोगों में, दो जॉब्स में, दो किसी भी दो चीज़ों में आप बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हो, ये भी हो सकता है, तो वो जो है आप कर पाओगे। आपको अब्रॉड से कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकती है, और अब्रॉड से अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, अब्रॉड से हो सकता है आपको कुछ न्यूज़ आए, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब्रॉड से कोई पर्सन है जो आपसे मिलने आ सकता है, या उसकी तरफ से आपको कोई न्यूज़ आ सकती है, ठीक है। और आपकी जो मदर है उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है, ऐसा मुझे दिख रहा है। उनके साथ जो है बना के रखिए, उनकी उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनकी केयर कीजिए, तो आपका जो मून है वो स्ट्रॉन्ग होता है। व्हीकल अगर आप लेना चाह रहे हैं कोई, तो व्हीकल आप ले पाएंगे, ठीक है। आपकी जो पर्सन है, अगर लव लाइफ की बात करें, तो आपकी जो पर्सन है अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करते हैं, तो अपनी फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस करेंगे, कितना कंट्रोल कर पाएंगे, आखिर वो एक्सप्रेस करेंगे फीलिंग्स को, चिंता मत करो। मूवमेंट लेंगे वो आपकी तरफ,
ये उनका स्टेप होने वाला है, ठीक है। तो आप जो है अपना येन और यांग का बैलेंस क्रिएट करके रखेंगे, ठीक है, अपने येन और यांग का, ये मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज का जो है बैलेंस क्रिएट करके रखेंगे, ये आपकी ब्लेसिंग है, ठीक है। सो इससे आपकी हेल्थ और आपकी लाइफ में बहुत खूबसूरत बदलाव आएंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, ये थी पायल नंबर 2 की रीडिंग, आपको कैसी लगी? मैंने बीच में मेडिटेशन भी बताई थी आपको, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड बहुत मेहनत लगती है जी। बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स रीडिंग बनाने में, लाने में, ठीक है। आई होप यू गाइस प्लीज़ अप्रिशिएट दिस एफर्ट। एंड काफ़ी लोग नोटिस कर रहे थे कि मेरी लास्ट वीडियो में मेरी हेल्थ जो थी वो इतनी ठीक नहीं थी, उसके बाद भी आप लोगों ने मेरे एफर्ट को इतना अप्रिशिएट किया कि मैं आपके लिए रीडिंग्स लेकर आ रही हूँ। और मेरी वीडियो की जो है मोनेटाइजेशन भी अभी ऑफ है किसी रीज़न की वजह से, तो उसके बाद भी बिना कि सेल्फलेसली मैं जो है आपके लिए वीडियोस लेकर आ रही हूँ, मुझे कोई मॉनिटरी बेनिफिट नहीं हो रहा फ्रेंड्स रीडिंग से मेरे वीडियोस के थ्रू। तो मैं जो है थोड़ी प्रॉब्लम के थ्रू गुजर रहा हमारा चैनल जो है, तो लेकिन आपकी ब्लेसिंग्स आपकी प्रेयर्स के थ्रू जो है हम इस प्रॉब्लम को कम्बैट कर लेंगे, तो डील कर लेंगे, सॉल्यूशन निकाल लेंगे इस प्रॉब्लम का। तो आप जो है थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग, थैंक यू सो मच फॉर इनकरेजिंग दिस चैनल एंड इनकरेजिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू सो मच। ओके सो चलिए मैं आपको मिलूंगी नए दिन नए वीडियो नए सवाल के साथ, तो के लिए पालतू अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा बिकॉज यू आर प्रेशियस। और यू कैन ऑलवेज राइट टू मी इफ यू हैव एनी कंसर्न्स, आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व देम। ओके सो चलिए मूविंग ऑन टू पायल नंबर 3, पायल 3। ओके सो चलिए, जिन्होंने कार्ड सेलेक्ट किया था इनोसेंस, आपके अंदर काफ़ी इनोसेंस है, आप बहुत इनोसेंट हैं, आपकी इनोसेंस आपको जो है एनिमल से भी हो सकता है प्यार है, आप बहुत, आपके अंदर एक बच्चा है जो हंसता खेलता रहता है, जो जिंदा रहे, जिसको आपने ज़िंदा रखा है, ठीक है। आपको जो है आप हर हाल में खुश रहना जानते हैं, आप खुशियों जो है आप उससे ज़्यादा देर दूर भाग नहीं सकती हैं, आपको जो है खुशियाँ ढूंढना आता है छोटे छोटे पलों में, आपको ऑर्डिनरी मोमेंट्स को, ऑर्डिनरी चीज़ों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना आता है, ठीक है। और आप अपने फील्ड के मास्टर हैं, इवन दो ये मास्टर कार्ड नहीं है लेकिन मुझे फील हो रहा है कि आप अपने फील्ड के मास्टर हैं, अपने फील्ड में बहुत अच्छे हैं आप। चलिए अब देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग आने वाली है, गणेश चतुर्थी स्पेशल रीडिंग है, तो चलिए मेरे साथ बोलिए गणपति बप्पा मोरया। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग आने वाली है। हम यूज़ करने जा रहे हैं हैंसन रॉबर्ट्स टैरो डेक एंड ओशो ज़ेन। ओके चलिए, पहला कार्ड है गाइडेंस, पहला कार्ड ही गाइडेंस का आ चुका है। चलिए जी, आइसोलेशन एंड कंपैरिजन। सो आइसोलेशन कार्ड रिवर्स में आया था तो हम इसको रिवर्स में ही रखेंगे, कंपैरिजन कार्ड भी रिवर्स में आया था तो उसको भी हम रिवर्स में रखेंगे। आपने जो है हम लोग जो है आइसोलेशन के मोमेंट से गुजर रहे हैं काफ़ी टाइम, काफ़ी लोग गुजर रहे हैं आइसोलेशन के मोमेंट से हम लोग गुजर चुके हैं, तो अब जो है टाइम आ चुका है कि आप थोड़ा चेक अपॉन द पीपल हु लव यू, ठीक है, चेक अपॉन पीपल हु केयर फॉर यू, चाहे आप उनको मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, तो उनके ऊपर कीप अ टैब ऑन देम कि इफ दे ओके और नॉट, ठीक है। किसी को हो सकता है आपके सपोर्ट की ज़रूरत हो तो उसको सपोर्ट अपना एक्सटेंड कीजिए, एक्सटेंड द हैंड ऑफ सपोर्ट टू देम, ठीक है। आपको जो है मुझे ये फील हो रहा है फ्रेंड्स कि आइसोलेशन कार्ड मुझे ये भी कह रहा है कि आप जो है थोड़ा टाइम अकेले में स्पेंड करना प्रेफर करेंगे, ठीक है। इवन तो ये कार्ड रिवर्स में आया है लेकिन थोड़ा टाइम आप इंट्रोस्पेक्शन, रिफ्लेक्शन, कंटेम्पलेशन के लिए निकालेंगे कि आपकी ज़िंदगी के लक्ष्यों के बारे में, ज़िंदगी के लक्ष्य के बारे में आप सोचेंगे, आपकी ज़िंदगी किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी से, आपके करियर से क्या चाहते हो, कि लव लाइफ से क्या चाहते हो, कि आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, कि आपने बहुत वेट किया उस पर्सन का, आपको उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है, ये वो पर्सन आपसे प्यार करता है, आपके लिए ही मेहनत कर रहा है और आप जो है कुछ और समझ रहे हो,
तो आपने जो है ट्रस्ट करना है, यू हैव टू हैव ट्रस्ट ऑन द पर्सन एंड ट्रस्ट ऑन योर यूनिवर्स, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ. ठीक है, खुद पे ट्रस्ट रखिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए और उस पर्सन पे ट्रस्ट रखिए जिससे आप प्यार करते हैं. तो और जो है आपने इस टाइम को आप यूज़ करेंगे अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए. ठीक है फ्रेंड्स, और किसी से हो सकता है कि आप गाइडेंस लें. ठीक है, हो सकता है किसी कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो आपने जो है अकेले ही उस प्रॉब्लम से मतलब सफोकेट नहीं होना, तो आपने उस प्रॉब्लम से अकेले ही नहीं लड़ना है, आपने उस प्रॉब्लम से सफोकेट नहीं होना है, आपने उस प्रॉब्लम को अगर किसी से गाइडेंस लेके, प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो किसी से गाइडेंस ले लीजिए आप. ठीक है, और हो सकता आप गाइडेंस लेंगे किसी से, किसी ट्रस्टेड पर्सन से गाइडेंस लीजिएगा. और अगर आप अभी तक कंपेयर कर रहे थे अपनी लाइफ को दूसरे लोगों से कि यार वो उसकी फ़ोटोज़ तो देखो वो कितने खुश हैं सोशल मीडिया पे, मैं ही ऐसी हूँ, मेरी ज़िंदगी ऐसी चल रही है. ठीक है, नहीं, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, द पीपल हु अपीयर हैप्पीस्ट ऑन सोशल मीडिया आर दोज हु आर अनहैप्पी इन देयर लाइव्स और डिससैटिस्फाइड इन देयर लाइव्स, दे आर नॉट कंटेंट इन देयर लाइफ. कोई सोशल मीडिया पे अगर कोई हैप्पी पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं मतलब ये नहीं कि वो खुश हैं. हो सकता है खुश हो, अच्छी बात है, किसी की खुशी में खुशी होना चाहिए हमको, जेलसी नहीं होनी चाहिए या किसी कंपैरिजन नहीं होना चाहिए. अगर कोई खुश है उनका अपना कर्म है, लेकिन अगर वो कोई अगर आपको कोई खुश दिख रहा है बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में उनके सोशल मीडिया पर, तो ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि वो खुश हों. ठीक है, ये कोई स्टैम्प नहीं होती कि अगर कोई हैप्पी पिक्चर्स पोस्ट कर रहा है तो वो खुश हैं. वो बेचारे अपनी स्ट्रगल से भी उस तक गुजर रहे हो लेकिन वो खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, ये भी हो सकता है. तो आपने जो है इन चीज़ों पे आप वर्क करेंगे, इन चीज़ों पे आप काम करेंगे, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं. ठीक है, ओवरऑल एक जो है आप स्पिरिचुअली इमोशनली ग्रो करेंगे आपकी. ठीक है, तो मुझे दिख रही है आपकी इमोशनल बैलेंस आता हुआ मुझे दिख रहा है, विजडम दिख रहा है, मैच्योरिटी दिख रही है. ठीक है, सो चलिए, एंड डिवाइन इंटरवेंशन दिख रही है, आपके पास डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं. ठीक है, सो चलिए एक बार मेरे साथ एक बार बोल दीजिए, गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या. ठीक है, चलिए आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो. ठीक है, एडवांस में. ठीक है, सो चलिए अब टैरो डेक से देख लेते हैं कि हैंसन रॉबर्ट्स टैरो डेक से कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग आने वाली है. ठीक है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स. I love this card personally. Okay, Temperance. I love this card too. I love all my cards like my little babies. Okay. Okay. King of Pentacles. भी Pentacles बहुत आए इस card में. इस pile में बहुत Pentacles आए हैं. Eight of Cups. Cups भी आ गया, चलो. The Moon. The Hierophant. क्या बात है भाई. हायरोफैंट आ गया आपकी रीडिंग में. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओ अनदर पेंटिकल, एंड फाइव ऑफ रॉड्स, नो नीड टू वॉरी. ओके, सो क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में, क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या खूबसूरत बदलाव आने वाला आपकी लाइफ में, चलिए देखते हैं. सो पहली बात, आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव होंगे, आपका सोशल स्टैचर इम्प्रूव होगा, आपका करियर इम्प्रूव होगा. ठीक है, आप हो सकते कोई नया हुनर सीखें, कोई नया स्किल सीखें, कोई नया सर्टिफिकेशन ले सकते हैं आप. ठीक है, और आप जो है मुझे ये फील हो रहा है कि आप जो है आप बहुत मेहनत करने वाले हैं आने वाले टाइम में, आप बहुत बिजी होने वाले हैं. और अभी अगर आपको लग रहा है कि यार लाइफ बोर हो रही है, बोरिंग हो रही है, तो आप जो है बहुत बिजी होने वाले हैं अपनी लाइफ में, मेहनत करेंगे, बहुत बिजी रहेंगे, मल्टीटास्किंग करेंगे. आपको जो है जिस लक्ष्य को आप पहुंचना चाह रहे हो उस लक्ष्य के लिए आपने मेहनत करनी है. ये भी आपको गाइडेंस मिल रही है कि डोंट लाइक लूज फोकस, फोकस रहिए.
और फोकस मत खोइए अपना, कंसंट्रेशन के साथ काम कीजिए और आपकी लाइफ में डेफिनेटली पैसा आ रहा है। कोई फाइनेंशियल, कोई एस्टैब्लिश्ड पर्सन है जो हो सकता है आपको हेल्प करे आपके करियर में, या तो वो आपको कोई गाइडेंस दे सकते हैं, उसके थ्रू कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई बिजनेस पार्टनरशिप की भी मुझे दिख रहे हैं चांसेस, बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकता है आप करें किसी के साथ, ठीक है, और कुछ ना कुछ कोलैबोरेशन भी हो सकता है, और कुछ बिजनेस प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है मुझे आपके लिए। तो आपने जो है कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, चाहे वो टॉरस हो, वो कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, जो आपको जो है बहुत हेल्प करेगा आपके करियर में, या उनके थ्रू आपके करियर को कुछ बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। और मुझे ये दिख रहा है कि आपको जो है थोड़ा आप अगर अभी तक अगर आप इम्पेशेंस से सिचुएशन को देख रहे थे, डील कर रहे थे, तो अब जो आप धैर्य रखेंगे, आप जो है पेशेंस रखेंगे, आपको ज़रूरत है कि आप पेशेंस रखिए किसी चीज़ को, अगर आप बहुत इम्पेशेंटली डील कर रहे हो तो आप जो है पेशेंस के साथ सिचुएशन को सॉल्व कर पाएंगे आप। मुझे भी फील हो रहा है काफ़ी लोग जो है हो सकता है कि किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन से, या किसी सिचुएशन से आप वॉक अवे कर सकते हैं, किसी चीज़ को आप छोड़ के वो जा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं बेटर चीज़ों की तरफ। कोई बेटर चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं, बहुत बेहतरीन चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं, बेहतरीन ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है, तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाह रहे हो या बेटर जॉब पोजिशन चाह रहे हो तो वो आपको मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि एट ऑफ कप्स के बाद नेक्स्ट कार्ड आता है नाइन ऑफ कप्स, जो जिसकी तलाश में आप जा रहे थे वो चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो और एक चीज़ मुझे दिख रही है, किसी के साथ अगर आपके ईगो क्लैशेस हुए हैं तो वो ईगो क्लैशेस जो हैं आपके सॉल्व हो सकते हैं। मुझे चैनल मैसेज है आपके लिए, ईगो क्लैशेस आपके सॉल्व हो सकते हैं। किसी के साथ अगर टकराव हुआ है तो वो पर्सन जो है मैच्योरली सिचुएशन को डील करेगा आपके साथ, ठीक है। आप चाहे तो गाइडेंस ले सकते हैं किसी से, और आपको जो है कोई ऑफ़र आ रहा है, कमिटमेंट का ऑफ़र आ रहा है आप लोगों को। अगर लव लाइफ की बात करें तो अगर आपको कमिटमेंट का ऑफ़र आ रहा है, मैरिज का ऑफ़र आपको आ सकता है, मैरिज प्रपोजल आ सकता है आपको, आपकी मैरिज हो सकती है, कोई शादी की बात पक्की हो सकती है, रिश्ता पक्का हो सकता है, रिश्ता आ सकता है आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है आपके लिए। तो ओवरऑल सिचुएशन अच्छी है, आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होती हुई दिख रही है मुझे। अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, आपकी मदर के साथ अगर कोई इश्यूज़ चल रहे थे, तो आपने जो है अपने मून को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने मून के साथ जो है मून लाइट में जो जब पूर्णिमा की रात होती है तो उसमें टाइम स्पेंड किया कीजिए, आप मून लाइट में टाइम स्पेंड कीजिए, नहीं तो मून को देखा कीजिए थोड़ी देर, ठीक है। तो उससे आपका मून स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और भी मैं आपको रेमेडीज़ बताऊँगी, और मुझसे पर्सनल सेशंस ले सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब चाह रहे थे तो गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब भी मुझे आपको मिलती हुई दिख रही है। अगर आप कोई हायर पोजीशन की जॉब चाह रहे थे कोई, तो वो मुझे आपको मिलती हुई दिख रही है, ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स। सो चलिए, ओवरऑल सिचुएशन इम्प्रूव होगी। जिस पर्सन की तरफ से आपको उम्मीद नहीं थी, वो आपको जो है ना उम्मीद नहीं करेंगे, वो आपको जो हो सकता है मैरिज के लिए प्रपोज भी कर सकते हैं, या आपके कहीं ना कहीं मैरिज का प्रपोजल कमिटमेंट आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। तो आपका करियर भी सुधर रहा है, आपकी लव लाइफ भी आपकी सेटल हो रही है, तो ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। सर चलिए, तो फ्रेंड्स ये थी आज की डिटेल्ड एनालिटिकल रीडिंग कि आपकी लाइफ में गणेश चतुर्थी के उपलक्ष में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्या खुशियाँ आने वाली है आपकी लाइफ में। सो चलिए, आई ब्लेस यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है मेरी रीडिंग्स में, और मतलब रीडिंग्स लाने में बहुत मेहनत लगती है, और फिलहाल तो मुझे कोई मॉनेटरी बेनिफिट भी नहीं हो रहा है मेरी रीडिंग्स से, मैं सिर्फ आपके लिए ऐसा कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग इतना मेरे चैनल को चाहते हो, इतना इनकरेज करते हो, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अभी तक मुझे बर्थडे विशेज आ रही है, मेरे बर्थडे 11th को था, और अब तक आप लोग बर्थडे विशेज दे रहे हो, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओके। सो चलिए, और अगर आप मेरे चैनल को डोनेशंस करना चाहते हो तो अमेजन टैरो विशलिस्ट जो है उसका लिंक मेंशनड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई भी जो आपकी इच्छा अनुसार आप डोनेट कर सकते हो, ओके। सो चलिए,
और अब और एक चीज़ मैं कहना चाह रही थी, आई फॉरगॉट क्या कहना चाह रही थी, आई फॉरगॉट। चलिए फिर कभी आपसे गुफ्तगू होगी, बात होगी इस बारे में। सो चलिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, बिकॉज आप मेरे लिए बहुत प्रेशियस हैं, आप मेरे लिए बहुत अमूल्य हैं, एंड इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए फ्रेंड्स, किस बात का इंतजार। तो चलिए एक बार साथ में बोलते हैं गणपति बप्पा मौर्या, अब के बरस तू जल दिया। ओके तो चलिए बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर, सेयोनारा।